अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काबा शरीफ के अंदर का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने वाले हैं और साथ ही कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा आपको काबा शरीफ के अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो दोस्तों, यहाँ से काबा शरीफ के अंदर एंटर होने का दरवाज़ा है और यह दरवाज़ा अप्रोक्सीमेटली कम से कम 300 किलो सोने का बना हुआ है और काबा शरीफ के अंदर यह तीन पिलर लगे हुए हैं जो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से लगे हुए हैं, यानी कि ये कम से कम 1400 साल पुराने हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिल्कुल नए लगते हैं और इनके ऊपर सोने के कड़े लगे हुए हैं और इसके ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर फानूस लगे हुए हैं बहुत सारे। ये वो फानूस हैं जो सहाबा के दौर से लगे हुए हैं और कुछ को कुछ बादशाह ने तोहफे के तौर पर काबा शरीफ के अंदर लगवाया था। कुछ बेवकूफ़ लोग इनको कलश कहते हैं। अबे बेवकूफ़ों, कलश नहीं है ये फानूस है। आप साफ साफ देख सकते हो कलश ऐसा होता है और फानूस ऐसे होते हैं और इन फानूस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं और यह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर से लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस जगह पर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के अंदर नवाफिल अदा की थी, इसीलिए यहाँ पर ऐसा निशान है। जब कोई बादशाह या बाहर का कोई बड़ा मेहमान काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आता है तो वो इसी जगह खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी मुसलमान काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ेगा तो वो अपना चेहरा, अपना रुख किसी भी तरफ करके नमाज पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, उलमा का ये फतवा है कि काबा शरीफ की छत के ऊपर कोई भी इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक चीज़ का सवाल पैदा हुआ होगा कि यार, काबा शरीफ के अंदर सिर्फ अमीर लोग या बादशाह ही नमाज पढ़ सकता है, हम जैसे गरीब लोग काबा शरीफ के अंदर नमाज कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? तो दोस्तों, इस बात को मैं आपको बता दूं साफ साफ कि अल्लाह की कुदरत वाकई में बहुत ज़्यादा गजब है। अल्लाह ने ऐसा करिश्मा किया है काबा शरीफ के साथ कि कोई भी इंसान, कोई भी फ़कीर से फ़कीर मुसलमान काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने की फजीलत को हासिल कर सकता है। जब कुरैश कबीले ने काबा शरीफ को दोबारा तामिर किया था तो उनका इरादा, उनकी नीयत ये थी कि हम इस काबा शरीफ को सिर्फ हलाल पैसों से तामीर करेंगे, लेकिन उनके पास काबा शरीफ को तामीर करने के लिए हलाल पैसा कम पड़ गया था तो उन्होंने काबा शरीफ का एक हिस्सा छोड़ दिया था और उसको आज हम कहते हैं हतीम। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान इस हतीम के अंदर खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा तो उसको काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने का दर्जा, उतना सवाब, उतनी फजीलत उसको हासिल होगी। और जैसे काबा शरीफ के अंदर हम किसी भी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ सकते हैं, वैसे ही हतीम के अंदर भी इंसान किसी भी तरफ खड़ा होकर के, किसी भी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज बिल्कुल कबूल होगी, बिल्कुल जायज़ होगी। दोस्तों, काबा शरीफ के अंदर दीवार पर पत्थर लगे हुए हैं जिसमें अरबी में सफ़े लिखे हुए हैं। ये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर से लगे हुए हैं। और दोस्तों, काबा शरीफ के अंदर एक सोने का दरवाज़ा है जिसका रास्ता छत के ऊपर जाता है। और दोस्तों, काबा शरीफ के छत के अंदर नीचे वाले हिस्से में वो पूरा रेशम का कपड़ा लगा हुआ है और उस पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह, इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि बस देखता ही जाऊँ। और दोस्तों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सभी को खाना काबा के लिए हज करने की और उमरा करने की तौफीक अता फरमाए और काबा शरीफ के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जानता हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से। आमीन सुम्मा आमीन। और मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो। और रहा एक ज़रूरी ऐलान, कुछ ही दिनों में ईमान की बातें चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। वो ऐलान ऐसा होगा जिसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो वो ऐलान सुनने के लिए जुड़े रहें ईमान की बातें चैनल के साथ। और मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।